खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। फिर एक बार होगा रेल का चक्का जाम, रुकेगी दिल की धड़कन। रेल कर्मचारियों का सरकारी नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने जिस तरह से सरकारी संस्थानों का निजीकरण का कार्य शुरू किया है, उससे रेल कर्मचारी आक्रोश में हैं। बसी बसाई बस्ती को उजाड़ा नहीं जाता, और अगर सरकार हमारी कॉलोनी उजाड़ना चाहेगी तो हम ये होने नहीं देंगे। ये उद्गार है पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारी श्री अजय कुमार सिंह का। विरोध प्रदर्शन के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ गुरुवार 11 तारीख से ही तमाम रेल कर्मचारी मजदूर यूनियनों ने चर्च गेट में अपना आंदोलन जारी रखा था, जिसके चलते माटुंगा स्थित रेल कर्मचारियों की कॉलोनी में भी कर्मचारियों ने मोर्चा निकालकर रेल के निजीकरण के विरोध में अपना रोष जताया, जिसमें MFIR WRMS का समर्थन उन्हें प्राप्त है। लोगों का कहना है कि अगर देश की सरकारी जमीनों को औने पौने भाव में प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जाएगा या फिर लीज पे दी जाएगी ऐसी जमीनें, तो इससे पूरे राष्ट्र को नुकसान होगा। हम हमारी कॉलोनी को किसी भी शर्त पर प्राइवेट कंपनी को देने नहीं देंगे। आखिर ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो हम कतई नहीं होने देंगे। कर्मचारियों को NFIR के कार्याध्यक्ष JG महुरकर और वरिष्ठ ट्रेड यूनियनिस्ट डॉक्टर एम राघवैया का समर्थन भी मिल रहा है। ज्ञात हो कि मौजूदा सरकार ने अपनी विशेष योजना के अंतर्गत कुछ सरकारी संस्थानों की जमीनों को विकास कार्य के लिए निजी कंपनियों को देने का निर्णय लिया है, जिसमें रेल की जमीनें भी हैं। कर्मचारियों के अनुसार माटुंगा स्थित रेल कर्मचारियों की इस कॉलोनी को अदानी ग्रुप को दिया गया है, और इसके अंतर्गत उनकी बसी बसाई रहिवासी कॉलोनी को तोड़कर उन्हें विस्थापित करने की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। हालांकि पश्चिम रेलवे के क्षेत्र में आने वाली यह कॉलोनी पूरे 45 एकड़ जमीन पर बसी हुई है, और योजना के अंतर्गत अगर यहाँ इनको हटाया जाता है तो यहाँ पर प्राइवेट चीजें बनने का भी प्रावधान हो सकता है। यहाँ से कर्मचारियों को हटाकर दूसरे स्थान पर पुनर्वासित भी किया जाएगा। यहाँ की जमीन पर प्राइवेट कंपनी अपनी रोटी यकीनन सेकने वाली है, जिसका मुनाफा अदानी को ही होगा। मात्र 5 एकड़ में इन कर्मचारियों को बहुमंजिले मकानों में स्थापित किया जाएगा। वही इमारत मुंबई में कहाँ बनेगी, यह अभी तक निश्चित नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों का रोष जायज ही लगता है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम रेल की पटरी पर खड़े होकर अपनी जान भी दे सकते हैं, ये कहना है यहाँ के कर्मचारियों का। निजीकरण के चलते अगर कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होगी तो उनका ये आंदोलन जल्द ही उग्र होगा और रेल मार्ग को भी बाधित कर सकता है। सरकार इस पर आगे क्या विचार करती है, मजदूर यूनियन और कर्मचारी इस पर क्या रुख अपनाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रेल मंत्रालय ने अपने निजीकरण योजना के अंतर्गत ठेकेदारी की प्रथा को प्रारंभ करने का आगाज कर दिया है, यह तो तय है। हम रखेंगे हर खबर पर नजर, आप देखते रहिए 24 टाइम जनता की आवाज़।